अगर आपके खेत में भी धान की सीजन में 1 से 1.5 मीटर के बीच जल जमाव की स्थिति बन जाता हो, फिर भी आप धान की खेती करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बशर्ते आपको हमारे द्वारा लिखी हुई स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। उक्त स्टोरी में वैज्ञानिक द्वारा बताए गए पद्धति को अपनाना होगा, फिर आप जल जमाव वाली खेत में भी फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि खेत में 1 मीटर से अधिक पानी लग जाता है। वैसे में किसान क्या करते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है तो खेती करना ही छोड़ देते हैं धान का। वैसे खेत के लिए कोई विकल्प है क्या सर? बिल्कुल विकल्प है, वैज्ञानिकों के पास हर चीज़ का विकल्प है हमारे पास। जैसे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी 1 मीटर से ज़्यादा लगता है, तो वैसे खेतों में अगर उस समय में जिसमें पानी लगने की संभावना है या पानी लग गया है, तब तो आप धान की बुआई नहीं कर सकते हैं जो क्योंकि पानी लगने के बाद। लेकिन हम लोगों को धान में फिर वैसे खेतों में पानी लगने से बहुत पहले ही हम लोगों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और गेहूँ कटने के तुरंत बाद, जैसे गेहूँ कटने के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खेतों में धान की सीधी बुआई छिट्टा बुआई जिसे करते हैं। और जो प्रभेद बहुत काफ़ी लंबे प्रभेद होते हैं, जैसे जानकी है, सुधा है, वैदेही है, राजश्री है, ऐसे प्रभेदों को हम लोग इसी महीने में धान कटने गेहूँ कटने के तुरंत बाद ऐसे खेतों में हम लोग छिट्टा बीज बुआई कर देते हैं। और वो इसके साथ में हम लोग मिश्रित खेती के रूप में और भी फसल लगा सकते हैं, जैसे कि उड़द लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, जनेरा लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं, ऐसे एक साथ मिश्रित खेती कर दीजिए। और मिश्रित खेती करने के बाद जो ये कम अवधि का है, जैसे मूंग है, उड़द है, जनेरा घास में यूज कर सकते हैं, मूंग की तुराई कर सकते हैं, उड़द की तुराई कर सकते हैं, इन चीज़ें जो कटनी हो जाएगी और धान जो है वो धान रह जाएगा। और ऐसे धान में अगर 1 मीटर 1.5 मीटर भी पानी लगेगा तो इस ऐसे धान पानी में डूबेंगे नहीं, और उसमें डूबेंगे भी नहीं, साथ साथ में जब पानी निकलेगा तो ज़्यादातर इसमें कई इन प्रभेदों में चूंकि अच्छे प्रभेद हैं तो उनका लॉजिंग जो होता है जो गिर जाते हैं पौधे, ऐसे भी पौधे कम गिरते हैं और इसका उत्पादन उस पर ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं। खासकर मिश्रित खेती से हम लोगों को एक फायदा होता है कि साथ साथ और भी फसलों की खेती हो जाती है। लेकिन इसके लिए बुआई हमें पहले करना पड़ेगा, मतलब धान कर गेहूँ कटने के तुरंत बाद हम लोग बुआई करनी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग चाहेंगे कि उसको समय बताइएगा कब करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे गेहूँ कटा है ना, गेहूँ कटने के बाद मार्च में कर दीजिए, अप्रैल में फर्स्ट वीक में कर दीजिए, क्योंकि बाद में करेंगे, मई तक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। लेकिन जून में जुलाई में अगर ऐसे लोग ऐसे खेतों में जाएंगे तो तुरंत बारिश आ जाएगी, तुरंत पानी आ जाएगा, नदी का पानी आ जाएगा, किसी तरह से जलजमाव होगा, पौधा छोटा रहेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं करेगा, पौधा जलमग्न होने की संभावना है। दूसरा एक इसमें और हम लोगों का कंसेप्ट है, जिसको कि हम लोगों का वैज्ञानिक कंसेप्ट भी है और हम लोगों के फार्मर्स प्रैक्टिस भी है, जो हम लोग खरवन करते हैं, अंग्रेजी उसको बोलते हैं डबल ट्रांसप्लांटिंग। जैसे किसी कारण से बहुत दिनों तक पानी खेत में रुका हुआ रह गया है और रुका रहने के बाद हम लोगों का जो फसल का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उनमें धान सूख जाते हैं, जनरली गल जाते हैं, सूख जाते हैं, तो जब पानी निकलता है तो देखते हैं कि उसमें पौधे की संख्या बहुत कम रह गई है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब तो बीचों हमारे पास है नहीं बचा हुआ कि उन बीचों को फिर से रोपनी कर सकते हैं, उन्हीं बीचों को जो पौधे बचे हुए हैं उन्हीं पौधों में से हम लोग उनको उसके कल्ली को तोड़ करके, कल्ला जिसको बोलते हैं, कल्ला को तोड़ करके और फिर से बुआई कर देंगे। ऐसा सितंबर के फर्स्ट वीक में भी करेंगे अगर, तब भी जो पूरा खेत आपका भर जाएगा और उसको उससे उतना ही उत्पादन होगा जितना कि बाढ़ का प्रभावित होने से पहले होता था। तो इसको खरवन बोलते हैं और खरवन धान से हम लोग अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, डबल ट्रांसप्लांटिंग अंग्रेजी में करते हैं इसको। जी सर, परिचय सर, मेरा नाम रत्नेश कुमार झा है और हम सस्य विज्ञान का अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं और सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज में।